दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले हाईली सक्सेसफुल इंसान इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल क्यों है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों है? और वो भी एकदम सही तरीके से नहीं पता लोगों को कि वो क्यों है। जो हाल ही में दुनिया के पहले सबसे अमीर बन गए थे, अब वो जेफ बेजोस से $1-2 billion पीछे चले गए। ये आगे पीछे तो चलता रहता है। मैं पैसा दिखाकर इलॉन मस्क को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। वो जो कर रहे हैं ना, वो जो है, वो दुनिया के सबसे अमीर बनने से कहीं ऊपर है। क्यों इलॉन मस्क ऐसे है कि जब कोई ट्विटर पर ट्वीट करता है कि इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तो ट्विटर पर इलॉन मस्क खुद रिस्पॉन्स करते हैं उस ट्वीट का कि कितनी अनोखी बात है, जो भी है काम पर लगते हैं फिर से। आज मैं आपको इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, जो इलॉन मस्क को दुनिया से काफी अलग बनाती है। पहला है हाईली कॉम्पिटिटिव। इलॉन मस्क इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो अपना कॉम्पिटिशन किसी के साथ में करना चाहते ही नहीं है। वो हर बार अपने हार्डवर्क से, अपने कॉम्पिटिशन से आगे ही जाना चाहते हैं। एक बार एशली वांस नाम के ऑथर ने अपनी बुक में इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक फ्यूचर, इस बुक के लिए ऑथर ने इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। तब जस्टिन ने बताया कि जब कॉलेज में साथ में थे, तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और इलॉन मस्क के 98 आए थे, लेकिन इलॉन मस्क को उसमें भी कॉम्पिटिशन लगा। उनके नंबर ज्यादा आने के बाद में भी वो प्रोफेसर से कहते हैं कि नंबर रिचेक कर लो, क्या पता और ज्यादा आए हो मेरे। उन्होंने टीचर को कन्विंस किया कि मेरी रीचेकिंग करो, हो सकता है कि मेरी 100 आए हो। इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन से आगे जाने का लालच। ये कॉम्पिटिशन एंड हो चुका है, अब तो मैं फर्स्ट हूं, उसके बाद में भी सोचना कि और क्या बेटर कर सकता हूं मैं। और ये जो चीज होती है ना, ये चीज एक ना एक दिन इंसान को सक्सेसफुल बना ही देती है, अगर उसके लिए ढंग से मेहनत की गई हो। फिर आता है डिटर्मिनेशन। अपने बर्थडे के दिन तो आदमी कितना भी बिजी हो, वो अपने सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाल ही देता है, लेकिन इलॉन मस्क कोई सेलिब्रेशन करते ही नहीं है। वो अपने काम को लेकर ना इतने गजब के सीरियस है कि क्या बर्थडे है, क्या नॉर्मल डे है, क्या सेलिब्रेशन है, वो भूल जाते हैं। ये सब सेलिब्रेशन वगैरह उनको पता ही नहीं है। उस इंसान ने तो अपनी सक्सेस को अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट उड़ा, सही गया, वो उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में रात को काम करते करते अपनी डेस्क के नीचे या पास में पड़े कोच पर ही सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद आई तो फैक्ट्री में ही सो गए। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री में चल रही रोबोटिक्स मशीन को देख सके, और मशीन अगर रुक जाए तो वो उसकी वजह ढूंढ सके, उसको फिर से रेडी कर सके। उन्होंने अपने 47th बर्थडे में 24 घंटे लगातार काम करके सेलिब्रेट करा। कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे थे फैक्ट्री में, लेकिन उस दिन 24 घंटे काम करा उन्होंने और फ्री नहीं हुए। फिर आती है बात शॉर्ट टर्म डेडलाइन की। अगर कोई काम है जिसको अगर आप करने बैठे हो तो 6 महीने लगते हैं, और आपसे कहा जाए कि उसको करना है 2 महीने में, तो कितनी हद पार हो जाएगी कि भाई 2 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। इलॉन मस्क भी हर चीज में ऐसी हद पार करते हैं। वो हद पार करने वाले जिद्दी इंसान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2018 में उनकी टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आई, माल कम पड़ रहा था। अब प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दी, उन्होंने 3 महीने में पूरा कर दिया। 2018 के जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में, सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 50,000 कार का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फिर आती है बात सेल्फ एजुकेशन की। क्या आपको पता है टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के भी काम पे रखती है, अगर वो उस काबिल हो। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको 1% सिखाती है, 99% जो काम की चीजें है वो आपको खुद से सीखना होता है। नवेद फारूक, जो क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टोन में इलॉन मस्क के रूममेट रह चुके हैं, उन्होंने इलॉन मस्क के बारे में बताया कि हर बार कॉलेज में एग्जाम के बाद में इलॉन मस्क और बाकी के बैचमेट अपने अपने आंसर्स और ग्रेड कंपेयर कर रहे थे, तब देखा कि इलॉन मस्क के मार्क्स और आंसर बाकी स्टूडेंट से कई ज्यादा बेहतर थे, और इलॉन मस्क के मार्क्स उनसे कंपेयर किए जो उस कॉलेज के सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स थे। इलॉन मस्क उन सबसे कई ज्यादा बेहतर जानते थे। 2017 में रोलिंग स्टोन के मैगजीन में इलॉन मस्क ने कहा कि वो किताबों के बीच ही बड़े हुए। उन्होंने 9 साल की उम्र में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली। सोचो, इन्होंने इस उम्र में ये पढ़ी जब बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते। उन्होंने स्पेस एक्स में रॉकेट साइंस को लेकर भी कोई एजुकेशन नहीं करी। उन्होंने रॉकेट साइंस भी एरोथर्मोडायनामिक्स ऑफ गैस टर्बाइन एंड रॉकेट प्रिपल्शन जैसी किताबें पढ़कर खुद से रॉकेट साइंस सीख ली। वो चीज सीख ली जिसको हम बोलते हैं कि रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस मतलब सबसे टफ मानी जाती है, उसको खुद से सीखना बहुत बड़ी बात है। अब आता है क्विक डिसीजन। हर बड़े और सक्सेसफुल इंसान में फटाफट से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान में अगर है तो इलॉन मस्क में तो वो कूट कूट के भरी होगी। एक बार टेस्ला फैक्ट्री में मशीन टूल खराब हो गया था, जो सिर्फ फ्रांस में बनता है।
लेकिन इलोन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया कि वो बाद में आएगा, इतने दिन लगेगा आने में, बल्कि प्राइवेट जेट निकाला अपना और फ्रांस चले गए उसको लेने के लिए, और सेम डे उसको लेकर आ गए ताकि काम डिस्टर्ब ना हो, ताकि प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो, देरी ना हो। अगर ये बात भी आपको नॉर्मल लगे तो ऐसे बहुत किस्से हैं जिस पर कभी पहली फुर्सत में इलोन मस्क के क्विक डिसीजन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से कभी। चलो एक और किस्सा सुनो। 2006 में फॉल्कन 1 रॉकेट के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने इलोन को फॉल्कन 1 की लॉन्चिंग को डिले करने के लिए कह दिया कि इसको आप बाद में लॉन्च करो, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटन 4 रॉकेट लॉन्च होना था, तो उसकी वजह से डिले हो रहा था। इलोन मस्क को अपने फॉल्कन 1 में डिले नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं बाद में इसको लॉन्च करूं। उन्होंने जल्दी से किसी ऐसी जगह का पता करा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और पैसिफिक आइलैंड पर जाकर के परमिशन लेकर के यूएस गवर्नमेंट के टाइटन 4 से पहले खुद ने रॉकेट अपना लॉन्च कर दिया। यू कैंट का मतलब इनको पता नहीं था, इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन इन्होंने यू कैंट का मतलब जाना ही नहीं। इन्होंने यू कैंट, मैं नहीं कर सकता, ये चीज उन्होंने नहीं सीखी, कहीं से नहीं सीखी। कई बार इलोन मस्क ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको ये पता ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये कोई वर्ड भी है। अगर कोई उनको बोले कि इलोन मस्क तुम ये नहीं कर सकते, तो वो बोलते हैं कि ये कैसी बात है, ये भी कोई वाक्य होता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते, उन्होंने पेपैल बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला कि अमेरिका में अब कोई नई कार नहीं आ सकती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 100 साल से 70 80 साल से टिकी हुई है। 2003 में आई है टेस्ला और आज इसका ये लेवल है, मतलब 100 साल लगे हैं, 70 साल लगे हैं कई बड़ी बड़ी कार कंपनीज को कि लोग उनको अच्छे से यूज करना शुरू करें, लोगों का विश्वास बढ़ जाए उस कंपनी पे। और टेस्ला अभी आई है, फोर्ड, शेवरलेट, ये सब कंपनी 100 साल पुरानी है। तो लोगों ने कहा कि अब कोई न्यू कार नहीं चलेगी, और इलोन मस्क ने तब भी खोल दी और चला दी। कुछ लोग सोच रहे हो गए कि टेस्ला तो इलोन मस्क ने नहीं खोली है। हाँ, लेकिन इलोन मस्क ने जब पावर अपने हाथ में लिया था टेस्ला कंपनी का, कंट्रोल अपने हाथ में लिया था टेस्ला कंपनी का, तब टेस्ला इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी जिसमें इलोन ने इन्वेस्ट करके उस कंपनी को बचाया, एक डूबती कंपनी को हाथ में लिए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कार की नई कंपनी नहीं आ सकती, इलोन मस्क ने ला ली। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करे, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात होती है, लेकिन इलोन मस्क ने स्पेस एक्स बना दिया। ये सब किससे जानकर तो लगता है कि इलोन मस्क को सच में कैंट का मतलब नहीं पता। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, आप हिल जाओगे कि यार क्या आदमी है ये। क्या आपको पता है टेस्ला कार जब अपने चार्जिंग स्टेशन पर फुली चार्ज्ड होने ही वाली होती है, तब कार ओनर के पास में नोटिफिकेशन आता है, और चार्ज होने पर भी नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के बाद अगर गाड़ी को अनप्लग नहीं करते हैं तो एक मिनट का $0.4 चार्ज किया जाता है। ये न्यू पॉलिसी कैसे आई? बैटरी चार्ज होने के बाद भी कार को वहां रखते हैं और अनप्लग नहीं करते हैं तो $0.4 का चार्ज क्यों लगाया जाता है? ये न्यू पॉलिसी कब आई? सुनो, ये पॉलिसी 2016 में आई जब एक कस्टमर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में ट्वीट किया था ट्विटर पे। एक बार लॉइक मे मुअर नाम के कस्टमर ने मीटिंग के लिए सिलिकॉन वैली जा रहे थे, बड़ा आदमी था कोई, उसने सैन कार्लोस में अपनी टेस्ला रोकी जहां चार्जिंग स्टेशन था, जहां ऑलरेडी काफी गाड़ियां पड़ी थी, वो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी लेकिन फिर भी वहां पे पड़ी थी। उनके कार के ऑनर अनप्लग कर ही नहीं रहे, वो कहीं चले गए घूमने के लिए कार को रख करके, अपनी कार को एक तरह से वहां पे पार्क कर दी, क्या आएगी बाद में कभी लेने। तो लॉयक ले मुअर मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में उन्होंने ट्वीट करा ये किस्सा। कुछ मिनट के अंदर उस ट्वीट का इलोन मस्क ने खुद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिप्लाई दिया। तो 6 दिन में अपनी कंपनी की पॉलिसी बदल दी उन्होंने। सोचो, एक नॉर्मल ट्वीट को इतना सीरियसली ले रहे हैं वो, तो कितने सीरियस हो गए किसी चीज को करने के लिए। 6 दिन में पॉलिसी बदल दी कि अब कोई भी बंदा अगर गाड़ी रखेगा इतनी देर तक चार्ज होने के बाद भी तो फाइन लिया जाएगा। और ट्विटर पर कितने एक्टिव है इलोन मस्क, उसका तो क्या ही कहना, इतने बिजी होने के बाद भी वो ट्विटर पर इतने एक्टिव है। जब उन्होंने यूज सिग्नल ट्वीट करा, उसके बाद सिग्नल ऐप इतनी यूज होने लगी, लोग मतलब उसको इंस्टॉल करने लग गए और ऐप स्टोर में टॉप पे आने लग गए। पता ही नहीं था किसी को कि सिग्नल क्या है, टेक्निकल लोगों को भी नहीं पता था कि सिग्नल क्या है, और पूरा वर्ल्ड जानने लग गया कि सिग्नल क्या है सिर्फ एक ट्वीट से, इलोन मस्क के एक ट्वीट से। अगर आप भी इलोन मस्क की तरह जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो बुक से अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटल हो जाए, कितने ही वीडियोस वगैरह बनने लग जाए, लेकिन बुक से आप जो सीख सकते हो वो आप कहीं से नहीं सीख सकते, क्योंकि बुक्स में डिटेल में बात की जाती है। अभी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाला हूं जिसमें वो सारी स्किल्स सिखा रखी है जो एक इंसान के अंदर होनी ही चाहिए अगर उसको जिंदगी में इलोन मस्क जैसा फुल पावर बनना है, जो स्कूल कॉलेज घरों में नहीं सिखाई जाती है और जो पता होनी बहुत जरूरी है। और ये स्किल्स जो इस बुक में सिखा रखी है वो काफी लोगों को नहीं पता है, इसी वजह से बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। इस बुक का नाम है लाइफ मित्र, काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। ये आसान हिंदी भाषा में है,
इस बुक के ऑथर ने कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए इस बुक की प्राइस केवल 19 रुपए कर दी है। मैं थैंक्स करता हूँ इस बुक के ऑथर को कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इसकी प्राइस केवल 19 रुपए कर दी है। इससे 20-30 गुना ज्यादा तो मोबाइल का रिचार्ज होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक है, उस पर क्लिक करो, इसको परचेज करो और 2-3 दिन के अंदर इस बुक को पढ़ लो, कंप्लीट करो इस बुक को। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में मतलब कभी नहीं, अभी करो, अभी जाओ इस बुक को पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।